अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और इट वाज अर्ली मॉर्निंग फॉर मी। वैसे तो टाइम था 3 बजे का। आई रिसीव ऑर्डर 2 बीफ पुलाव सर्विंग और समझ नहीं आई कि किस तरह से प्रिपेयर करनी है, क्योंकि मैंने कुछ भी रेडी करके नहीं रखा हुआ था। खैर, मैंने जैसे तैसे दे दिया था। मोबाइल में दे गई थी दुआ को इस्तेमाल करने के लिए और मैंने 2 बीफ पुलाव रेडी की। पांडा पे तो ऑर्डर बनाने का मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि 40% जो कमीशन ले लेते हैं ना, वो उसका तकलीफ़ होती है। अच्छा भाई, यहाँ पे बता देती हूँ आपको, रेड चिली मैंने डाली है, चिकन का कीमा लेना है हमने, हाथ का हुआ हुआ कुटा हुआ मोटा, उसमें डाली है नमक मिर्च, ठीक है, और जो तीनों सॉसेज हैं, विनीगर, सोया सॉस और चिली सॉस, वो डालना है। लहसुन का पेस्ट डालना है। इसके अंदर मेन फ्लेवर है जो उसका कटिंग मुँह में आ गया, तो मेन फ्लेवर है टिक्का फ्लेवर, आपने डालना है चिकन टिक्का। मसाला डालना है आपने, जो कि मेरे पास ख़त्म था, भी मैंने मंगवाने भेज दिया था, तो साथ ही जो है ना इसे मैरिनेशन किया आ गया है, मसाला तो मैंने डाल कर इसे रख दिया है। तो इसमें मैंने क्या क्या डाला है रिपीट कर देती हूँ मैं। इसमें मैंने डाला है नमक मिर्च और चिली फ्लेक्स, जो दादर मिर्च होती है, और चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। इसके अलावा टिक्का मसाला और लहसुन का पेस्ट, मेन जो चीज़ है इसकी वो टिक्का फ्लेवर ही है। अगर और यही वो चीज़ है जो आपने पिज़्ज़ा की जो टॉपिंग करनी होती है, सेम एज़ लाइक टिक्का फ्लेवर जब हम पिज़्ज़ा बना रहे होते हैं, तो यही जो है टॉपिंग उसकी इस्तेमाल होनी है। सेम एज़ लाइक इसी तरह ही कुक करना है, इसी तरह से वो भी रेडी होनी है। पीसेज आप थोड़े से बड़े कटिंग कर सकते हैं, वैसे मुझे तो इसी तरह के पसंद है, छोटे छोटे पीसेज आने चाहिए। तो इसे हमने रखना है, और साथ ही मैंने जो सिरका डाला है, सिरका और पानी और चुटकी नमक डालकर उसे जो है ना भिगो कर रखना है, खीरे और प्याज को उसमें, ठीक है, पानी में। तो वो 2-3 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया है। इसका इतना पानी छूटना है ना, जो इसी में ही अच्छा सा जो है हमारा चिकन गल जाएगा, रेडी हो जाएगा। ये सबकी बहुत ज़्यादा महीनों से फरमाइश थी पिज़्ज़ा शवारमे की रेसिपी की, तो आज मैंने ऑर्डर जो आते हैं ना बहुत क्विकली तैयार करने पड़ते हैं, तो ये था कि ये एक आसानी से ऑर्डर देना था मैंने, तो ये मेरे सारे जो मैंने आसानी से ही ऑर्डर देती हूँ, पहले ही इनका ऑर्डर ले लेती हूँ, बाकी जो सारे हैं मामलात साथ साथ ही, बस वो मोबाइल भी दुआ को देना पड़ता है। तो जी, यहाँ पे हमने डो तैयार करनी है। डो में ईस्ट डालनी है, पानी लेना है नीम गर्म, उसमें चीनी डालनी है थोड़ी सी, और ईस्ट डालनी है 1 चम्मच, और उसे आटे को 1/2 टेबल स्पून काफ़ी है ऑयल, उसमें आपने जो है ना गूंद लेना है मैदा। तो मुझसे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी ईस्ट की, क्योंकि पानी ज़्यादा हो गया था तो वो बच गया था पानी, उसमें कम डला, ईस्ट की मकदार कम हो गई थी, जिसकी वजह से डो इतनी राइज नहीं की, ठीक है। चले, खैर है, आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। तो इसे देखें, अच्छी तरह हमारा चिकन ना गल चुका है, मैंने इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट गलाया है, उसके बाद मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। ये जो है सर्विंग, ये मतलब 3 पर्सन के लिए ओपन शवारमा, 3 पर्सन आसानी से ये खा सकते हैं, ठीक है, जो ये मैं बनाने लगी हूँ। और बाहर की तो खाने को घर के खाने से बिल्कुल भी जो है कंपेयर कर ही नहीं सकता बंदा, वो तो इतना गंदा होता है ना, तो बाहर आजकल जो चिकन जिस तरह से पड़ा होता है उससे तो बिल्कुल भी कंपेयर करने वाला बेवकूफ़ पागल है, जो रेट को कंपेयर करे या इन चीज़ों को कंपेयर करे। तो मैं यहाँ पे मिनी पिज़्ज़ा भी फोल्डिंग में बनाऊँगी। एक मिनी पिज़्ज़ा है जो आपको थंबनेल पे दिखाया है मैंने, वो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी, क्योंकि मैं वो काफ़ी बार ट्राई कर चुकी हूँ। मुझे अभी फोल्डिंग पिज़्ज़ा बनाना था, छोटा छोटा, सॉरी, शवारमा फोल्डिंग में बनाना था। इसमें हम जो है ना स्टिक का यूज़ करके ना फोल्डिंग में छोटे छोटे जो शवारमे हैं फोल्डिंग में रेडी करेंगे। तो टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया था, एक रह गई थी वो बड़ा साइज़ इसलिए हो गया, एक बड़ी रह गई थी, इसी वजह से मैंने इसे बारीक बेला है। आपने अगर जो दूसरा बनाना होगा तो डो मोटी रखनी है, जैसे कि पिज़्ज़े की रखी जाती है, ताकि उसे बीच में से कटिंग हो, और सेम एज़ लाइक इसमें फिलिंग कर देनी है, वो जो थंबनेल पे है पिज़्ज़ा वही शवारमा है वही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेडी हो गया। एक सर्विंग का जो रोल मैंने बनाना था वो, उसका मैंने चिकन निकाल लिया था, एक मुझे बनाना है रोल और दूसरा मुझे बनाना है ओपन शवारमा, और मिनी पिज़्ज़ा शवारमा भी तैयार करना है। अच्छा, ये है कि कैबेज जो है वो मुझे बहुत पसंद है,
अच्छा वीडियो यहाँ पे ना सर का फ़ोन आ गया था कि आप मैसेज आ गया था कि दे दें, वैसे मैं राम राम से लगी हुई थी, आप शॉर्मा दे दें, तो यहाँ पे फिर मैंने यहीं वीडियो छोड़ कर ना उनका शॉर्मा तैयार किया और उसी की वीडियो स्टार्ट कर दी थी। तो ये जो आपने देखा है इस तरह से जो है ना बड़े मज़े के मिनी शॉर्मे आप बना सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो इसी तरह से अच्छा सॉसेस की मैंने स्किप कर दी थी वीडियो, वो मैं बता देती हूँ क्योंकि सर का फ़ोन आ गया था, दुआ मोबाइल नहीं छोड़ रही थी। सॉसेस मैं बता देती हूँ कैसे तैयार करने हैं, इसके दो सॉसेस के तैयार होने हैं, वाइट सॉस और चिली सॉस। और आपने लेना है जो चिली फ्लेक्स है, आप मोटी गोल बेरी मिर्च भी ले लें, ठीक है, उसे भिगो कर रख दें गर्म पानी में, उसे ग्राइंड करना है, उसमें सिरका डालना है, चुटकी नमक डालना है और आप पानी भी मिला सकते हैं थोड़ा और पतला करने के लिए। सिरके की ज़्यादा बेबहार क्वांटिटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा खट्टी भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि दूसरे मेयोनीज़ में भी डलना है। अच्छा मेयोनीज़ आपने जो लेनी है उसमें आपने एक कप अगर मेयोनीज़ आप ले रहे हैं ना, और उसमें आपने डालना है हाफ़ टेबल स्पून आपने लेना है ओरिगैनो, और सिरका आपने लेना है 6 से 7 चम्मच सिरका लेना है, 6 से 7 चम्मच ही आप उसमें डाल दें पानी के, उसे ज़रा पतला करने के लिए ताकि वो ज़रा मज़े से खाई जा सके। तो इस तरीके से जी आपने वाइट सॉस तैयार कर लेनी है, और रेड सॉस भी मैंने आपको बता दिया है। ये शॉर्मे के सॉसेज हैं, मैं पहले इसे तैयार करके रखती हूँ, बस मैंने जो है ना वो करनी थी क्योंकि ये मेरी यही सॉस सेम जो है इस्तेमाल होती है मोमोज़ में मैं इस्तेमाल करती हूँ, और यही सॉसेज हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ सैंडविच वगैरह के साथ सर्विंग देने के लिए, और यही सॉस हैं जो मैं इस्तेमाल करती हूँ और बहुत सी आइटम हैं जो घर में इस्तेमाल होती हैं, बाहर इस्तेमाल करती हूँ कस्टमर्स के लिए, यही सेम सॉसेज इस्तेमाल होती हैं। तो जिस तरह के मैं उसके साथ भी देती हूँ मैक्रोनी समोसास, उनके साथ भी तो काफ़ी ज़्यादा मैं बना कर रख देती हूँ। तो टाइम शॉर्ट था इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकी। ये जो ब्रेड है मैंने मंगवाई थी बाहर से ही, बाहर की ब्रेड यूज़ कर रही हूँ मैं, वैसे मैंने स्टार्ट जब किया था ओपन शॉर्मे का कस्टमर के लिए तो मैंने घर में ही बनाई थी और बड़ा अच्छा फीडबैक आया था, लेकिन मुझे लगा टाइम टेकिंग काम है, इतना टाइम आपको शॉर्मा पूरा रेडी करने में नहीं लगता जितना सिर्फ डो तैयार करने में, और इसमें जो है ना इसकी फिलिंग ये तैयार करने में ब्रेड लग जाता है। तो सिंपल ये कि आप बाहर से मंगवा लो, बाकी सारी चीज़ें घर तैयार करो। तो ये बहुत ही मज़ेदार, घर की हर चीज़ साफ़ सुथरी देखें तैयार हुई हुई, जिसमें आपको कोई बीमारी, कोई आपकी सेहत का नुकसान, गला ख़राब, ये चीज़ें सब कुछ नहीं होगा। आप बीमारी में भी खा सकते हो, गला ख़राब नहीं होगा क्योंकि ये घर का बना हुआ है। तो बस ये है कि इसमें कुछ खट्टी चीज़ें होने की वजह से आप इसे कम इस्तेमाल कर लें सॉसेज, तो बहरहाल ये घर का साफ बना होता है। अब तो मुझे बाहर का बिल्कुल भी एतबार नहीं रहा। ये मैंने आज जो सॉसेज दोनों बताई हैं आपको, ये वो थी, और डीप किए हुए इसमें हमने जो खीरा और प्याज इस्तेमाल किए हैं और चिकन इस्तेमाल किया और वो मेयोनीज़ डाली, बस इतना सिंपल सा बस ये फार्मूला, और ये बन गया है शवारमा रोल, और ये साथ में बन गया है। साथ ही मुझे ऑर्डर रिसीव हुआ है अंडा पराठा और चाय का, दूध बॉयल नहीं हुआ हुआ था, तो ये देख लीजिए चाय और अंडा पराठा। तो साथ ही मैंने ये तैयार किया, अभी वो दिया ही था। ये तैयार करते ही मुझे इतना बड़ा ऑर्डर रिसीव हुआ कि मैं ना 2 मिनट के लिए चेयर पे बैठ गई थी। मैं कह लाया भाई बना लो, खुद ही बना लो, जैसे कि खुद ही बन जाएगा। मैं हिम्मत हार के बैठ गई थी जहाँ मुझे क्विकली उठकर तैयारी करनी चाहिए थी। मैं 2 मिनट के लिए चेयर पे बैठ गई, सोचने लग गई कहाँ से स्टार्ट करूँगी। जो सारी आइटम थी वो सारी बेसिकली तैयार होने वाली थी, और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, मतलब हर चीज़ को टच करना था, कोई भी सेम आइटम नहीं थी, कोई चाइनीज़ तो कोई देसी कोई ये वो। तो इस तरह से वो जो सारा थोड़ा बड़ा डिस्टर्ब सा ऑर्डर था, मुझे बड़ा डिस्टर्ब भी किया उसने। पांडा का ऑर्डर ना मुझे मज़ा नहीं आता, बहुत थोड़े पैसे बनते हैं, 40% उनका कमीशन जाकर। अब ये 2000 का ऑर्डर था लेकिन इसमें आइटम इतनी ज़्यादा थी, और अगर ये पर्सनल मैं लेती तो मेरे ख्याल से मुझे 3000 आना था, क्योंकि हर चीज़ की क्वांटिटी भी मैं ज़्यादा दे देती हूँ, ये भी होता है। और दूसरा ये है कि आपको ना टाइम मिलता है, अच्छा खाना आप बना लेते हैं, तो दगड़म भगड़म में तो फिर कस्टमर को अच्छी चीज़ भी नहीं ना मिलती। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी साथ में चाय बनाई थी, लेकिन मुझे ऑर्डर रिसीव हो गया आलू का पराठा, कड़ी पकोड़ा, चिकन वाइट हांडी, रेगुलर फ्राइज़, मिर्च पकोड़ा और पोटैटो स्नैक्स। ये सारी चीज़ें जी अब रिसीव हुई। अब बताएं कि आलू का पराठे के लिए आलू अलग बॉईल करने थे, आटा गूंधा हुआ नहीं था, आटा अलग गूंधना था, कड़ी पकौड़े के लिए पकौड़े बनाने थे और फिर फ्राइज़ काटने थे, साथ में चाउमिन का भी ऑर्डर आ गया था उसी वक्त ही, दोनों ऑर्डर एक ही राइडर ने भी किए थे।
साथ ही जी और अब ये बताएं कि फिर पोटैटो अलग से काट के रखने थे, समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से मैं इसे तैयार करूं। मिर्च पकौड़ा उसका जो फिलिंग अलग तैयार करनी थी, सारी चीज़ें बड़ा ही मुश्किल हो गई। चाउमीन भी साथ में रेडी करके देना था। खैर जैसे तैसे मैंने बनाना शुरू कर दिया। राइडर को तकरीबन 10 मिनट, राइडर को 8 से 10 मिनट बाहर खड़ा होना पड़ा, फिर भी बहरहाल टाइम से मैंने ऑर्डर दे दिया था। तो ये थी जी शवारमे की वीडियो। इससे आप रोल बना सकते हैं, इससे आप मिनी शवारमा बना सकते हैं, इससे आप फिलिंग शवारमा बना सकते हैं, इससे ही आप ओपन शवारमा बना सकते हैं। और यही टॉपिंग आपकी पिज़्ज़ा टॉपिंग है जो आप पिज़्ज़ा पे करते हैं, ठीक है। डो को अब मैंने आपको बता दिया है कैसे बनानी है पिज़्ज़ा डो भी। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है ना, मैं पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आऊँगी। पिज़्ज़ा का मैंने मेन्यू में नहीं रखा हुआ, कस्टमर को भी मैंने कभी ऑफ़र नहीं करवाया, तो घर में बनाती हूँ घर वालों के लिए। अब पिज़्ज़ा काफ़ी दिन से नहीं खा रहे हैं क्योंकि बाहर से ही खा रही हूँ मैं पिज़्ज़ा। तो देखते हैं अब घर में जब बनाऊँगी इंशाल्लाह मैं आपसे वीडियो शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।